आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर आपको बता दें कि अवैध खून के कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, यहां पुलिस ने अवैध खून के गोरखधंधे का जब खुलासा किया है, मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद इस गोरखधंधे में शामिल एक निजी अस्पताल और दो पैथोलॉजी के शामिल होने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें सील कर दिया गया है। खून के इस कारोबार का खुलासा होने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस खेल से जुड़े हुए अन्य लोगों के खोजबीन में जुट गई है। दरअसल सदर कोतवाली पुलिस की कस्टडी में ये जो दोनों शख्स आप देख रहे हैं, ये खून के काले कारोबार के गोरखधंधे से जुड़े हैं। ये दोनों लोग गांव में रहने वाले भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर पैथोलॉजी तक ले जाते थे और उनसे ब्लड निकलवाते थे। इसके बाद उस ब्लड को जिला मुख्यालय पर स्थित एक निजी अस्पताल को बेच दिया करते थे, जहां पर मरीजों से खून चढ़ाने के नाम पर 8 से 10 हज़ार रुपये वसूले जाते थे और ब्लड बिना जांच के ही मरीज को चढ़ा दिया जाता था। इस खेल में ब्लड डोनर की एक यूनिट खून के बदले 1700 रुपये का भुगतान किया जाता था, जबकि ब्लड डोनर को पैथोलॉजी तक ले जाने वाले इन लोगों को प्रति केस 800 रुपये मिलते थे। कल 4/7/2020 में चंदौली थाने द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है, उसको पकड़ा गया था चेकिंग के दौरान। उसके पास से 2 यूनिट ब्लड के मिले थे और उसका जानकारी करने पर उसका एक और साथी है बब्बू, वो भी जो उसका सहयोगी है, वो मिला था। तो ये लोग इलीगल ब्लड की तस्करी में ये लोग लगे हुए थे और इनसे जानकारी करने पे ये पता लगा कि एक यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल है, उसमें लोग ब्लड सप्लाई करते थे और उसके साथ साथ 2 पैथोलॉजी हैं जिनका ये प्रयोग होता था ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड को निकालने में और प्रोवाइड कराने में, जिनका नाम है शुभम पैथोलॉजी और वैभव पैथोलॉजी। ये दोनों भी हमें प्रथम दृष्टिया लगे क्या कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे हैं। तो आज टीम यहाँ पर गई है स्वास्थ्य अस्पताल में और शुभम और वैभव पैथोलॉजी में, और इसमें CO साहब, SDM साहब और थाने की फोर्स रही है एडिशनल CMO के साथ, जो मौके पे जाके अस्पताल को सील कराया गया है, पैथोलॉजी को भी सील कराया गया है। इनके विरुद्ध बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये इलीगल लेवल पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। जो इसमें भानु प्रताप जो पकड़ा गया था, उसने बताया था कि ये गांव वालों को कम पैसे में बहला फुसला के ब्लड देने के लिए ले आता था। करीब उसमें से 500 रुपये ये लोग मीडिएशन में ले लेते थे, करीब 1700 से 2000 रुपये गांव वालों को प्रोवाइड किए जाते थे। और यही चीज़ अस्पताल द्वारा भारी अमाउंट में, भारी कॉस्ट में, करीब 8 से 10 हज़ार रुपये में ये लोग मरीज़ों को देते थे। और ऐसी भी बात संज्ञान में आ रही है कि इनके पास ऑपरेशन का कोई डेटा नहीं था, ऑपरेशन कराने की इनकी कोई परमिट नहीं थी, क्योंकि इनके जो डॉक्टर्स हैं वो रोस्टर पे हैं, इनके पास एनेस्थेटिक्स नहीं है। बहुत सारी जब हमारी रेट पड़ी और जिसकी वजह से सील हुआ, तो बहुत सारी ऐसी इनमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें पाई गई हैं और गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इस वक्त जो डॉक्टर KP सिंह हैं, जो इसके मालिक हैं और जो ये संचालन करते हैं, वो क्वेश्चनिंग के लिए लाए गए हैं और पैथोलॉजी के कर्मचारी भी इसमें लाए गए हैं। इसमें और भी कई लोग का नाम उजागर आ रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं अभी विधिक कार्रवाई हम कराने जा रहे हैं। ऐसा संज्ञान में आया था, बंद पीछे थोड़ा कर लिया। ऐसा है कि एक ब्लड वो मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके द्वारा ये सूचना मिली कि हम स्वास्तिक में ब्लड सप्लाई करते हैं। जब उससे पूछा गया कि ब्लड कहाँ से निकाला है, तो उसने प्राइवेट पैथोलॉजी का नाम बताया कि वहाँ से ब्लड निकलवा करके पब्लिक का हम वहाँ सप्लाई करते हैं, जिसमें 800 रुपये हमको पर ब्लड मिलता है और 1700 रुपये डोनर को देते हैं, जो उसने बताया। जब हम लोग स्वास्तिक हॉस्पिटल पहुँचे, तो यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने मांग की कि हमें वो BST दिखाई जाए जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए।
डॉक्टर साहब यहाँ के वो बीएसटी दिखाने में असमर्थ रहे, उन्होंने कहा हमने ऐसी बीएसटी नहीं बनाई तथा अपनी बातों में कबूल किया कि हम कभी कभी इन लोगों से ब्लड खरीदते हैं। ये बहुत बड़ा घपला है। नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी जांच चल रही है, आगे इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ये तो अभी देखा जाएगा अभी आगे क्या होता है। पहले तो हम लोग इस अस्पताल को सील करें।